नमस्कार दोस्तों, ये 39 उम्र की व्यक्ति का पाम है, लेडी पाम है। अब इनके दो चार सवाल है। सबसे पहले, इनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई, तो मेरी जो पामिस्ट्री का ज्ञान है वो यहाँ पर मैरिज को काउंट करता है। अगर कोई जीवन रेखा और माइंड लाइन को कोई रेखा टच करती है तो व्यक्ति का उस उम्र में व्यक्ति की मैरिज होती है या व्यक्ति के रिलेशन में कोई आता है। तो इनसे सवाल जवाब हुए तो इन्होंने ना बोला कि कोई भी रिलेशन में आया नहीं। अब दूसरा माइनस पॉइंट दिख रहा है तो यहाँ पर मेरी पामिस्ट्री का ज्ञान कमज़ोर पड़ रहा है, तो मैं इस जवाब को देने में असमर्थ हूँ क्योंकि मुझे बहुत सी लाइनें इस तरह से टच होती दिख रही है। तो एग्जैक्ट उम्र निकालना थोड़ा सा टफ है, फिर भी अगर फिलहाल के पीरियड में देखे तो अगर ये एक दो साल में कोशिश करे तो इनका काम हो सकता है। पहली चीज तो ये। दूसरा, बहुत बार मैरिज जो इश्यू आते वो ड्यू टू जुपिटर माउंट। जिसका भी जुपिटर माउंट कमज़ोर रहता है या तो उसके व्यक्ति के जीवन में शादी होने के बाद भी प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, जब आपका जुपिटर माउंट यहाँ से ज़्यादा उभार हो तो, या मतभेद होते, इस तरह का देखा गया है। तो ये एक कारण हो सकता है इनके जीवन में। दूसरा, इनके जीवन में जो झंझावात है, सफलताओं के साथ साथ बहुत सारी रुकावटें भी बहुत थी, बहुत सारे ऑफशूट इनके जीवन में गए। इतनी स्पीड में ये आगे बढ़े होंगे शुरुआती जीवन में कि इनको समय ही नहीं मिला होगा उस तरफ सोचने का, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रेस लाइनें इनके जीवन में शुरुआती दौर में चल रही है। तो इतनी स्पीड में इनका विकास हुआ होगा कि इनको उस सब्जेक्ट पर सोचने का समय ही नहीं मिला होगा, ये भी एक कारण हो सकता है। दूसरा, इनका प्रश्न था कि व्यक्ति कैसा मिलेगा। तो पामिस्ट्री के अंदर ये दोनों सवाल अधूरे रहते हैं। इनका मैरिज वाला जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर मेरे से क्लियर नहीं हो रहा है। दूसरा, कैसा व्यक्ति मिलेगा, वो व्यक्तिगत तौर पर पामिस्ट्री व्यक्तिगत चीज़ें बताती है, किसी और की चीज़ें पामिस्ट्री शो नहीं करती। और थर्ड चीज़ है, ग्रोथ कैसा रहेगा जीवन का। तो शुरुआती दौर में तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ मिला, इनको जॉब ही करनी चाहिए, इनको बिजनेस की और रुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके इस पीरियड में बहुत सारी राहु रेखाएं इनको परेशान कर रही है। ये हर दो तीन साल में इनको राहु रेखाएं कट कर रही है, और इस तरह की राहु रेखा वाले व्यक्ति को कभी बिजनेस की और सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब भी बिजनेस करते हैं तो अगर जॉब करता है व्यक्ति तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जाती है या कोई प्रश्न खड़े होते हैं, पर जब बिजनेस करता है तो व्यक्ति लॉस करता है। तो मेरा इनसे सलाह, आप जीवन भर जॉब ही करते रहो, क्योंकि बहुत सारी राहु रेखाएं अलग अलग समय पर इनको डिस्टर्ब कर रही है। हाँ, शुरुआती दौर था उस समय भी राहु रेखाएं आपको आई, पर आपको पता भी नहीं चला होगा क्योंकि इतनी सारी प्रोग्रेस लाइनें थी। पर अभी जो पीरियड है, ये पीरियड चल रहा है, इसमें बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, तो आपको उस तरफ जाना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। और इस पीरियड में ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइनें नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप जॉब ही करते रहे, उसमें कोई भी प्रश्न आए तो कम में आपका काम हो जाएगा, शॉर्ट में काम हो जाएगा, पर जब बिजनेस करोगे तो अच्छा खासा लॉस उठाना पड़ सकता है। तो ये आपके चारों प्रश्नों का जवाब जो स्पष्टता से दे सका वो दे पाया, और जो नहीं दे पाया वो मेरा ज्ञान आपके पाम पर अधूरा लग रहा है। अब चलते ओवरऑल पाम की एनालिसिस की ओर। ये उंगलियां देखे तो काफ़ी बड़ी है पाम के मुकाबले, तो ये लोग एनालिटिक पर्सनालिटी होते हैं। और गुरु की उंगली बड़ी है तो लीडरशिप क्वालिटी होती है, प्लस व्यक्ति को ईगो जल्दी हर्ट होता है व्यक्ति का, ये एक माइनस पॉइंट होता है। और यहाँ पर देखें तो छोटी उंगली
फर्स्ट फाइलेंस तक पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है और थोड़ी सी अलग भी चल रही है। तो इनका जो व्यवहार होता है, यानी इनका जो बोलने का ढंग, चलने का ढंग, सोचने का ढंग, जब ये उंगली थोड़ी सी भी साइड में जाती है तो आम लोगों से बहुत डिफरेंट होता है। इनका अंगूठा काफ़ी स्ट्रांग है, फर्स्ट फैलेंज भी बड़ा है, सेकेंड फैलेंज भी एवरेज के हिसाब से, और सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर कोन भी बन रहा है, तो इनका टाइमिंग भी परफेक्ट रहता है जीवन में। तो ये स्ट्रांग अंगूठा है और ये उंगली भी बड़ी है, तो ये जब दोनों बड़े होते हैं तो व्यक्ति आम लोगों से ज़्यादा सफल होता है जीवन में। इनकी पाम की साइज देखे तो यहाँ से थोड़ी सी कम चौड़ाई है और यहाँ पर ज़्यादा है। तो शुरुआत में आदमी स्लोली सब्जेक्ट में एंटर होता है, पर जब एंटर हो जाता है तो उसमें काफ़ी पूरा निचोड़ निकाल कर बाहर निकलता है। इस तरह की इनकी मानसिकता रहती है, शुरुआत काफ़ी स्लो से होती है, पर जैसे ही उस सब्जेक्ट में एंटर हो गए तो उसको एग्रेसिवली लेते। और इस पाम की साइज देखे तो ये कंप्लीट स्क्वायरिश शेप है। इस तरह का शेप व्यक्ति काफ़ी मेहनती होता है, मेहनत करके अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अब चलते बुध पर्वत की ओर। बुध पर्वत अपने आप में उठाव है और यहाँ पे थोड़ा सा उठाव ज़्यादा है, तो है अपने आप में उठाव, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति सुंदर होता है, उसकी वाणी अच्छी होती है और बिजनेस एक्यूमेंट अच्छा खासा होता है व्यक्ति में, और यहाँ पर बहुत सारी खड़ी लाइनें भी है, तो ये भी प्लस पॉइंट है, इस पर्वत को स्ट्रांग बना रही है। अब चलते इनके सूर्य पर्वत पर। सूर्य पर्वत पर देखे तो एक काफ़ी बड़ी विद्या रेखा चल रही है। इनको बेसिक ज्ञान एक्सट्रीम लेवल का होता है और उस ज्ञान के कारण लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती होगी, ये बचपन से सिलसिला चलता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पूछ कर काम करने वाले लोगों की संख्या काफी हो जाएगी। और यहां पर देखे तो एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है, ये इतना छोटा भी ट्रायंगल व्यक्ति को सफल बनाता है। पैसा अधिक मात्रा में होता है व्यक्ति के पास, बहुत बड़ा ट्रायंगल हो तो ज़्यादा मात्रा में होता है, पर इतना ट्रायंगल भी सूर्य पर्वत पर काफ़ी है। मन की सारी इच्छाएं पूरी करता है ये ट्रायंगल। और यहाँ पर स्क्वायर भी दिख रहे, ये इस तरह के जो स्क्वायर रहते उनका मल्टी सिटी का कामकाज रहता है। अब ये सिंगल वूमेन है तो ये खुद को ही फल दे रही है, दे रहा है ये स्क्वायर। एक तो व्यक्ति आय से अच्छी तरह से रहता, आय से ज़्यादा अच्छी तरह से रहता है, प्लस स्क्वायर के कारण व्यक्ति को मल्टी सिटी का काम मिलता है। जैसे आप अगर मुंबई में रह रहे हो तो मुंबई से आपका अहमदाबाद, पूना, नागपुर, इंदौर, यानी फैला हुआ कामकाज रहता है। और बहुत बड़े स्क्वायर हो तो व्यक्ति का इंटरनेशनल लेवल का संबंध भी आता है। और स्ट्रांग रेखा भी है सूर्य रेखा, तो शुरुआती जीवन में काफ़ी एनर्जी लगवाती है और बुढ़ापे में ये शांति से इनकम देती है, और ये एक्टिवेट हो रही है लगभग 58 से। और ऐसे लोगों को यश भी मिलता है काम का, काम करेंगे 100 रुपीज़ का और यश मिलेगा 1000 रुपीज़ का, पर शुरुआती जीवन काफ़ी स्ट्रगल करवाती है ये लाइन। अब चलते हैं इनके एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन की ओर। ये एक साइन बनी हुई है इनके पाम पर, ये इनको जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख देगी। अब चलते हैं इनके शनि पर्वत पर। शनि पर्वत पर जब भी आपको यहाँ पर उभार देखे तो व्यक्ति में एक ही माइनस पॉइंट होता है, सुबह उठने समय थोड़ा सा आलसी होता है, पर जैसे नींद खुल गई और उठ गए उसके बाद काफ़ी एक्टिव होते, और उसके बाद इनका शनि पर्वत काफ़ी फ्लैट है। और एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये कभी ना कभी विदेश से धन प्राप्ति की ओर इशारा कर रही है,
जीवन में कभी न कभी इनको विदेश से धन प्राप्ति होगी। और यहाँ पर देखे तो ये कंटिन्यू जा रही है, तो इनकम के स्रोत इनके पास बुढ़ापे तक अच्छे खासे बने रहेंगे। हाँ, बीच बीच में रुकावटें हैं, पर इनकम के स्रोत कंटिन्यू बने रहेंगे। अब चलते हैं गुरु पर्वत की ओर। गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत काफ़ी छोटा है और इस पार्ट में उभार ज़्यादा है, तो ये पहले ही हमने माइनस पॉइंट इसका डिस्कशन कर चुके हैं। और यहाँ पर देखें तो हॉरिजॉन्टल लाइनें चल रही है, ये बीच बीच में इनको मल्टीपल इनकम के स्रोत जीवन में क्रिएट कराती रहेगी। अब चलते इनके अंदरूनी मंगल की ओर। अंदरूनी मंगल चाहिए वैसा नहीं है, ये जैसे जैसे उम्र बढ़ती है 35-40 के आसपास व्यक्ति जब आता है तो बहुत सारी बीमारियों का शिकार बनता है, पर छोटी बीमारियां, बड़ी नहीं। जैसे डायबिटीज हुआ या ब्लड प्रेशर हुआ, इस तरह की बीमारियों का शिकार बनता है, या उस तरह की कोई और बीमारी का, और शारीरिक क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। कभी हाथ दुखना, पैर दुखना, सर दुखना, ये इस तरह के प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में हमेशा बने रहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम व्यक्ति को परेशान करते रहेंगे। अब चलते भारी मंगल की ओर। भारी मंगल अच्छा खासा है, तो जब किसी से मिलते होंगे तो सामने वाला कंफर्टेबल फील करता होगा, और संकट के समय इस तरह का भारी मंगल व्यक्ति को अपने लेवल पर संकट का सामना करने की हिम्मत भी देता है। और इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी अच्छा है, और यहाँ से थोड़ा सा दबा हुआ है, तो हो ना हो इनको बोलने की ज़्यादा आदत होगी। और इस तरह का चंद्र पर्वत व्यक्ति को रिफाइंड सोच देता है और निर्णय शक्ति अच्छी देता है। और यहाँ पर देखें तो एक मनी ट्रायंगल भी इनके पाम पर बना हुआ है, ये इनकम के स्रोत अच्छे खासे क्रिएट करवाता है। अब चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत पर देखें तो थोड़ी सी बारीक लाइनें हैं, ये इनको जीवन में आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकती होगी। ऐसा लगता होगा कि किसी ने पैर पकड़ के रखे, आगे बढ़ने नहीं मिल रहा। और शुक्र पर्वत ओवरऑल देखा जाए इस रेखाओं को, ये पूजा के द्वारा सॉल्व होती है ये रेखाएँ, और ओवरऑल देखा है तो ये शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा है, तो लाइफ काफ़ी अच्छी रहती है, व्यक्ति खुद का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहता है, और पर्सनल एक्सपेंस भी व्यक्ति के अच्छे रहते हैं जब शुक्र पर्वत अच्छा रहता है। तो अब चलते हैं इनके हार्ट लाइन पर। काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन, इतनी अच्छी हार्ट लाइन व्यक्ति को विश्वासु किस्म का इंसान बनाती। इनके 100 रुपये भी किसके बाकी होंगे तो याद करके देकर आएंगे, इतने अच्छे स्वभाव के रहते हैं। और जब कौर लेती है तो भावुक भी होते व्यक्ति, भावनाओं में भी निर्णय लेते, और काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है, नीट एंड क्लीन, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, यहाँ पर आकर थोड़ी सी डबल तो नहीं कह सकते, थोड़ी सी लाइनें चल रही है, तो ये सेवा भावी स्वभाव की ओर इशारा करती है, पर काफ़ी अच्छी हार्ट लाइन है। इस तरह की हार्ट लाइन वाला व्यक्ति आसपास के लोगों में बहुत अच्छा माना जाता है, ये सबसे प्यार बांटते, परिवार हो, साथ में काम करने वाले हो, सबसे अच्छी तरह से घुल मिल कर रहने वाले लोग होते, बहुत अच्छा स्वभाव रहता है इनका, सबको हेल्प करेंगे, सबसे प्यार बांटेंगे, इतने अच्छे स्वभाव के होते, तो ये बेस्ट हार्ट लाइन है। अब चलते इनके माइंड लाइन पर। माइंड लाइन इनके व्यक्तित्व का आईना है, यहाँ से देखिए ये पूरी इस तरह से चलकर चंद्र पर्वत की ओर जा रही है। जब गुरु पर्वत से आपकी हार्ट माइंड लाइन शुरू होती है तो आप महत्वाकांक्षी होते हो, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करके भी छोड़ते हो, ये भी एक खासियत होती है। और जब चंद्र पर्वत की ओर झुकाव रहता है तो इमेजिनेशन पावर भी व्यक्ति का काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी हाई। हाँ, एक माइनस पॉइंट होता है, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे 50-55 के आसपास आएंगे तो ये स्पिरिचुअल बनेंगे, यानी धार्मिक भावना इनमें ज़्यादा आएगी,
और इसी माइंड लाइन पर देखे तो बहुत जगह पर इस माइंड लाइन को कट कर रहे, तो इनके जीवन में सफलता असफलता साथ साथ में चलती है। ये जब भी आपके माइंड लाइन को कोई रेखा काटती है तो आपको कमर दर्द का प्रॉब्लम जीवन में आता है, ऐसा जनरली देखा गया है। तो हो ना हो आपके साथ भी ये प्रॉब्लम रहा हो सकता है, क्योंकि जब भी आपको माइंड लाइन पर कोई रेखा काटेगी तो 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन का जो कमर दर्द होता है वो व्यक्ति के जीवन में आता है, और टेंस भी व्यक्ति के जीवन में आते हैं। तो बहुत संघर्ष वाली जीवन शैली इनकी लग रही है मुझे पाम देखकर, बहुत ज़्यादा संघर्ष वाली, क्योंकि बार बार इनकी रेखाएं काट रही है बार बार। अब चलते हैं इनके जीवन रेखा पर। जीवन रेखा पर भी देखें तो शुरुआत में तो काफ़ी अच्छी है, ट्रायंगल भी बन रहे, तो कोई ना कोई डिग्रियां भी प्राप्त हुई होगी। और यहाँ पर देखिए प्रोग्रेस लाइन है कितनी है, छोटी सी उम्र से इनको प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो गई होगी, छोटी सी उम्र से इनको समय ही नहीं मिला होगा कुछ सोचने का, क्योंकि जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइन रहती है तो व्यक्ति टीनेजर से ही प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है, और ये कंटिन्यू प्रोग्रेस लाइन है। और इसके बीच में 25 और 32 में राहु रेखा ने भी काटा होगा तो इनको एहसास भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इतनी सारी प्रोग्रेस लाइन है कि कुछ गड़बड़ हुई है इनके जीवन में। पर ये अच्छा खासा स्थिति पर पहुंच गए होंगे उच्च स्तर पर। हाँ, संघर्ष काफ़ी रहता है जब प्रोग्रेस लाइन रहती है तो व्यक्ति को बहुत दौड़ाती है। और उसके बाद देखें तो यहाँ पर ये 25 की राहु रेखा, ये 32 की राहु रेखा, ये पीरियड, और इसके बाद ये अभी फ़िलहाल जो चल रहे ये लगभग इस पीरियड में चल रहे 39 में, यहाँ पर इनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव भी आया होगा, कोई पॉजिटिव बदलाव आया होगा और एक राहु रेखा ने काटा है। और उसके बाद 42 और 43 में, उसके बाद 45 में, उसके बाद 48 में, उसके बाद 52 में, इस तरह से कंटिन्यू राहु रेखा है इनको काट रही है। तो ये जो पीरियड रहेगा ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है इनके लिए। तो इसके लिए मैंने इनको पहले ही वीडियो के शुरुआत में सलाह दे दी कि आपको बिजनेस के बारे में सोचने की अभी फ़िलहाल आवश्यकता नहीं, अगर सोचना भी है तो आप 56 के बाद सोचिए, उसके बाद आपकी जीवन रेखा अच्छी खासी चल रही है और घुमाव भी ले रही है। घूमती है जीवन रेखा तो व्यक्ति परिवार के हर व्यक्ति से फ़ोन पर पर्सनल टच में रहता है, ये सबसे बड़ी खासियत रहती है। पर इनकी देखे तो राहु रेखा है अप टू जीवन के बहुत सारे पार्ट तक इनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो मेरी तो इनसे सलाह है कि आप बिजनेस का सोचे ही नहीं, क्योंकि राहु रेखा है जब बिजनेसमैन होता है या बिजनेस वूमेन होती है और राहु रेखा काटती है तो अच्छा खासा प्रॉब्लम जीवन में क्रिएट होता है, फाइनेंशियल लॉस भी होता है। और जब जॉब करता है व्यक्ति तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी चेंज होती है या कंपनी में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिसके कारण थोड़ी सी फायरिंग या इस तरह का कोई ना कोई प्रेशर आता है, जीवन दुभर लगता है। इसके सिवाय कुछ ज़्यादा प्रश्न खड़े नहीं होते। बाकी जीवन रेखा काफ़ी अच्छी है, मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम जीवन रेखा में दिख नहीं रहा है। अब इनकी फेट लाइन पर भी देखें तो कंटिन्यू कट है, कंटिन्यू कोई ना कोई खर्च लगा ही रहता होगा इनको कंटिन्यू। तो इस तरह से इनका जीवन झंझावातों से भरा पड़ा है। थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई कि कोई ना कोई राहु रेखा इनको काट रही है, थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई और राहु रेखा इनके जीवन को फेट लाइन को भी काट रही है और जीवन रेखा को भी काट रही है। पर इनकम कंटिन्यू होते रहेगी, कितने भी झंझावात आएंगे पर सफल होकर ही बाहर निकलेंगे, ये एक खासियत रहेगी इनमें। तो ये इस तरह से इनका पाम का एनालिसिस है। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब
मिल गए होंगे। और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।